एक मूवी आई है रौतू का राज, जहां पर मेरे उत्तराखंड की कहानी दिखाई गई है। वैसे उत्तराखंड में दो रीजन है, एक गढ़वाल रीजन, एक कुमाऊं रीजन। गढ़वाल रीजन में टिहरी गढ़वाल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां रौतू नाम की जगह है, और वहां की एक कहानी जहां पर ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो जन्म से ही जिनमें देखने की क्षमता नहीं होती है, उनके शिक्षा, उनका रहन सहन वहीं उनके हॉस्टल और वहीं वही जगह पर होता है, वही स्कूल पर होता है। तो उस स्कूल को हटाने के लिए पूरी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और भी जो प्रशासन सत्ता है, वो सब कोशिश करते हैं उसे हटाया जाए और वहाँ पर एक होटल या फिर एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनाया जाए, जहाँ से अच्छा खासा नोट छापा जाए। तो इसके बारे में कहानी दिखाई गई है, जहाँ पर मेन लीड पर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिलेंगे काफ़ी टाइम बाद ऐसे कॉन्टेंट पर। और कहानी है मर्डर क्राइम मिस्ट्री पर। मर्डर एक ऐसे बंदे का होता है जिनसे आप सिंपति नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो खुद हॉस्टल वार्डन होती है और वो खुद उस स्कूल को बेचना चाहती है और बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ का जो चेयरमैन होता है, उस जगह का जो मालिक होता है, वो नहीं बेचना चाहता क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। और इसी के पीछे कहानी दिखाई गई है। मर्डर हो जाता है स्टार्टिंग में ही, मर्डर मिस्ट्री जैसे ही सॉल्व होती है, बीच की कहानी उसे पता लगने लग जाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मेन ऑफिसर का काम कर रहे हैं, नेगी जी करके उनका नाम है, और नेगी जी, जोशी जी, ये सारी कास्ट उत्तराखंड में ही देखने को मिलती है। बहुत कुछ उत्तराखंड एक्शन का कॉपी करने की कोशिश करी है और अच्छी तरीके से कोशिश करी है। वैसा नहीं जैसा बत्ती गुल मीटर चालू में कर रखा था भाई, बहुत कुछ ओवर कर दिया था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन जो करी गई है बहुत अच्छे हिसाब से करी गई है। सपोर्टिंग रोल में अगर बात करें लेडीज कैरेक्टर की, जो पहाड़ी औरतें होती हैं भाई साहब, उन्हें उन्हें मतलब बातें उन्हीं बहुत होती हैं, बातों की बड़ी शौकीन होती हैं। अगर एक चीज़ मैं बताऊं तो यहाँ का जो पहाड़ी नेचर होता है, अगर किसी भी चीज़ को बारे में आपको उन्हें बताना होता है तो वो उसकी जड़ तक जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं फुल सेटिस्फाई करने की, यस वो जो कोई भी बात हो उसे अच्छी तरीके से दिखाने की। तो वो चीज़ मुझे अच्छा कनेक्ट हुआ, क्योंकि मैं ये सारा माहौल यहाँ देखता हूँ, तो वो दमदार था। बाकी और भी कहानी की बात करें तो कहानी दमदार है, और मर्डर मिस्ट्री जैसे जैसे सॉल्व होगी आपको मजा आएगा। फर्स्ट हाफ दमदार है, सेकंड हाफ में कहानी पहुँचते ही थोड़ा सा खींचाल लेने लग जाएगी, थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लग जाएगी। हाँ, मूवी जितनी लेंथी थी उतनी लेंथी नहीं होती, तब भी काम चल जाता। मूवी की स्टोरी जो भी रहेगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी, आपको मज़ा भी आएगा उसमें। लेकिन जो एंडिंग करी है भाई, वो डिसअपॉइंटिंग है, मतलब कुछ भी एंडिंग दमदार नहीं लगी। बाकी हाँ, अगर कुछ भी नहीं है तो देख सकते हो उस मूवी को, बाकी मूवी एंगेजिंग है, दमदार है। और भी उत्तराखंड के जो सीन वगैरह लिए गए हैं, व्यूज लिया गया है, वो भी दमदार है। बाकी सपोर्टिंग रोल में भी और बाकी कैरेक्टर्स ने जो काम किया है, वो भी दमदार काम किया है भाई। कुछ भी नहीं है तो जरूर देख सकते हैं, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका वीडियो पसंद आई है, पसंद है लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई साहब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बारिश का माहौल चल रहा है और जहाँ तहाँ पानी भरा जा रहा है, तो जितना कम हो सकता है उतना ही कम घर से बाहर निकलिए, खासकर बारिश के मौके पर, खासकर जब पानी भर रहा हो, पानी चल रहा हो, पानी गिर रहा हो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।